मंगलवार को चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित हरियाणा एमएलए हॉस्टल में पुस्तक मेरी अनुभूति माला का विमोचन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जस्टिस वीएन सिन्हा, सचिव महोदय, अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जब चुनाव सिर पर हों तो क्यों न चुनाव को लेकर चर्चा हो, बिल्कुल वैसे ही अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने पुस्तक विमोचन के लिए पधारे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर से खास बातचीत की। चलिए देखते हैं। अर्थ प्रकाश जी, तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा नमस्कार। आज हमारे बीच में विधानसभा स्पीकर हरियाणा कंवर पाल जी हैं। कंवर पाल जी, सबसे पहले बताइए, हरियाणा के अंदर विधायकों के इस्तीफों का दौर जारी है, इसके बारे में आप कहोगे, क्या कहोगे? आज कौन कौन से विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं? देखिए, अब ये तो विधायकों की अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि अब कई बार ऐसा भी होता है, दल बदल भी होता है, दूसरी पार्टी भी ज्वाइन करते हैं, कई कारण होते हैं जिसमें इस्तीफे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने से पहले इस्तीफे दे दिए, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ उनकी पार्टी ने पिटीशन दायर किया है। तो आज ऐसे ही चार विधायक जो इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे, जिनके खिलाफ पिटीशन बलवान सिंह दौलतपुरिया और अभय सिंह चौटाला जी ने दायर की थी, उन चारों विधायकों ने आज सुनवाई से पहले अपने इस्तीफे मुझे सौंप दिए और मैंने उनको स्वीकार कर लिया। पहले भी काफ़ी विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, इसके पीछे मोदी फैक्टर तो नहीं कहीं आपको नज़र आ रहा? नहीं, देखिए, ये तो आप उनसे ही पूछना कि उन्हें क्यों दिए इस्तीफे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ऐसे MLA हैं जिन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने ज्वाइन करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का आरोप है कि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे ही विधायकों के खिलाफ एक पिटीशन हमारे पास, कुछ पिटीशन दायर हुई है, उस पर सुनवाई थी और आज 3 बजे उसकी सुनवाई थी, लेकिन 3 बजे से पहले उन चारों विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया। अब आपसे हम अहम बात पूछेंगे धारा 370 के बारे में एज ए स्पीकर आपकी स्टेटमेंट नहीं लेना चाहता, एक न्यूट्रल पर्सन इंडियन, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? धारा 370 जो बहुत ही अहम मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद सॉल्व किया, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। धारा 370 के बारे में मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में सही जानकारी दी जाएगी तो हर आदमी इस बात के पक्ष में है कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी गंभीर स्थिति थी उसकी वजह से कि हम कोई भी निर्णय ले सकते थे, कोई भी हम पैसा अगर वहाँ देते थे उसको हम ऑडिट नहीं कर सकते थे। जो आदमी 1947 में पाकिस्तान से भारत में आया, आज भी उसको MLA का वोट देने का, सरपंच की वोट देने का राइट नहीं था, वो वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बहुत ही गलत था, उसकी वजह से देश की एकता और अखंडता के लिए वो गलत थी। और हम जो अच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दूसरे लोगों ने पहले दिन से उसका विरोध किया था, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से उसका विरोध करती आ रही थी। ये भी कह सकते हैं कि उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है भारतीय जनता, निश्चित तौर से उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और मैं समझता हूँ देश के आज़ाद होने के बाद देश की एकता अखंडता के लिए वो सबसे पहला बलिदान था, और निश्चित तौर से आज मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको ये धारा समाप्त करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हम एक बात अहम पूछना चाहते हैं, इसके बाद तो इलेक्शन आ जाएंगे, एज ए स्पीकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विधानसभा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छे से हमने प्रयास किया, चलाने का भी प्रयास किया, विधानसभा को चलाने का भी अच्छे से प्रयास किया और सब लोगों का मुझे सहयोग भी मिला है। और प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में कंवर पाल जी थे, हरियाणा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।